हो जाइए तैयार और 2 मिनट में जानिए बॉलीवुड इंडस्ट्री का हाल। श्रद्धा कपूर, ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के साथ वॉर 2 में एक गाने में नजर आ सकती हैं। हालांकि इस बारे में मेकर्स की तरफ से कोई भी घोषणा नहीं की गई है। पहले खबर आ रही थी कि पुष्पा 2 के एक गाने के लिए श्रद्धा से बातचीत चल रही है, लेकिन बाद में उस गाने को श्रीलीला ने किया। एआर रहमान और उनकी पत्नी सायरा बानो की शादी को करीब 29 साल हो गए हैं। इन दोनों को बॉलीवुड में एक परफेक्ट कपल के रूप में देखा जाता है। हाल ही में सायरा की वकील ने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है कि दोनों का तलाक हो गया है। और इस खबर के कुछ देर बाद ही एआर रहमान ने भी सोशल मीडिया पर एक इमोशनल मैसेज शेयर करके इस खबर को कंफर्म किया। पुष्पा 2 भारत में 5 दिसंबर को और विदेश में 4 दिसंबर को रिलीज हो रही है। फिल्म ने अमेरिका में एडवांस बुकिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अमेरिका में पुष्पा 2 की $1 मिलियन यानी कि 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। पुष्पा 2 अमेरिका में सबसे तेजी से $1 मिलियन की प्री सेल पाने वाली पहली फिल्म बन गई है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि कनाडा और नॉर्थ अमेरिका में भी एडवांस बुकिंग खुलते ही इसकी टिकटें भारी संख्या में बिक गईं। हाउसफुल 5 का अगला शेड्यूल शुरू हो गया है और इस बार कुछ खास होने वाला है। ऐसा मजा और मस्ती से भरा हुआ गाना बन रहा है जो इस फ्रेंचाइजी का सेलिब्रेशन करेगा। ये गाना सिर्फ एक डांस नंबर नहीं बल्कि हाउसफुल फ्रेंचाइजी की 14 साल की जर्नी का एक ग्रैंड ट्रिब्यूट रहेगा। इस गाने में आपको मिलेगा एक ऐसा नाइट शूट जिसकी पूरी कास्ट अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, फरदीन खान, जैकलिन फर्नांडिस और नरगिस सभी एक साथ स्टेज पर उतरकर अपनी धमाकेदार एनर्जी दिखाएंगे। अजय देवगन ने कुछ दिनों पहले अनाउंस किया था कि वो अक्षय कुमार के साथ एक बड़ी बजट की फिल्म बनाने जा रहे हैं। अक्षय कुमार ने हाल ही में अपनी फिल्मों के लिए जबरदस्त तैयारी शुरू भी कर दी है जिससे उनके कमबैक की उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। साथ ही अजय देवगन की आने वाली फिल्म में बड़े एक्टर की एंट्री भी हुई है जो फिल्म को और भी रोमांचक और दिलचस्प बना देगा। अजय देवगन ने बीते दिनों अनाउंस किया था कि वो अक्षय कुमार के साथ एक फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसे अजय डायरेक्ट करेंगे और अक्षय लीड रोल में नजर आएंगे। अब अपडेट्स की माने तो इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ साथ विक्की कौशल को भी कास्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।